सिद्धार्थ जयशू कमलम ज्यां स्मृति ईरानी टूंक ज समय में पत्रकार परिषद ने संबोधशे। सीआर पाटिल की उपस्थिति पण अहीं नजरे पड़ी रही छे। स्मृति ईरानी कृषि बिल ने लईने खास करीने संबोधन करवाना हता। हवे जोवानुं रहेशे के तेमना संबोधन में तेओ आखरे कई कई बाबतोने समावी लेशे। प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल अहीं उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। तमाम अग्रणीओ पण अहीं उपस्थित रहेवाना छे। टूंक ज समय में गणतरीनी मिनिटो में पत्रकार परिषद जे छे तेनो आरंभ थवानो छे। सौनी नजरे आखरे शू कहेशे सीआर पाटिल अने स्मृति ईरानी। गैरमार्गे दौरान प्रयत्न कर भ्रमित करने प्रयत्न कर साची माहिती खेडूतो सुधी पहोंचे एना माटे केन्द्र सरकार अलग अलग मंत्री अलग अलग राज्य में अलग अलग शहरों में जाइने आप सौना माध्यम थी एक संदेशो एक साची माहिती पड़वानो प्रयत्न थयो छे। एना अनुसंधाने आज केन्द्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी ए अपनी वच्चे अमदावाद में आया छे अने आपणने आ बिल अंगेनी पण माहिती आपशे। एनाथी थनारा फायदा એની પણ વિગતવાર માહિતી આપશે। આ બિલોને કારણે ખેડૂત કેવી રીતે આત્મનિર્ભર બનશે એની પણ વિશેષ માહિતી વિગતવાર આપને આપશે। તો હું વિનંતી કરીશ આદરણીય સ્મૃતિજીને કે આપ પ્રશ્ન સંબોધન કરો। ધન્યવાદ। આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપ સૌ પધાર્યા મારા તરફે સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર। गत संसद के सत्र में देश की जनता ने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को कृषि क्षेत्र के लिए फलीभूत होते देखा। जब कृषि संबंधित तीन ऐतिहासिक बिल देश की संसद में पारित हुए, यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने वाले ऐतिहासिक कदम उठाए गए, राष्ट्र के किसान को सशक्त करने के लिए संसद में बिल लाए गए, ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संसद के सदन से बाहर था। अपनी अनुपस्थिति में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कृषि क्षेत्र में इन क्रांतिकारी कदमों को, इन बिलों को जिस प्रकार से कलंकित करने का दुस्साहस किया है वो अपने आप में निंदनीय है। संसद के दोनों सदनों में क्या कानून पारित हुए? देश के 74 साल आजादी के इसमें मात्र देश का किसान ही मजबूर था कि उसे एक ही जगह जाकर कुछ लाइसेंस व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। संसद के सत्र में जो कृषि बिल पारित हुए उसकी वजह से आजाद हिंदुस्तान में पहली बार देश का किसान सही मायने में आजाद हुआ। अब देश के किसानों के पास यह आजादी है कि वो राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर, गांव, व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान अपनी फसल किसको कितने में बेचेगा इसका निर्णय किसान स्वयं लेगा। लेकिन किसान को बिचौलियों से आजाद होते देख कांग्रेस का नेतृत्व तिलमिला उठा, क्योंकि वर्षों वर्ष किसान को बिचौलियों के सम्मुख बांध के रखकर ही
कांग्रेस की राजनीति चलती आई है। एक प्रगतिशील राष्ट्र में देश का किसान भी प्रगति के पथ पर चले, इसलिए देश की संसद में जो कानून लाया गया है उस कानून में लिखा गया कि किसान की जो भी फसल खरीदता है उसे उस खरीद का भुगतान किसान को तुरंत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान की फसल का पैसा खरीदने वाले को देना पड़ेगा। ये किसी भी देश के नागरिक की सोच के परे है कि अगर किसान को तुरंत उसकी फसल का पैसा मिलता है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों करती है। कानून के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसान विक्रेता को जब अपनी फसल बेचेगा तो उस करार के अंतर्गत ना किसान की जमीन बेची जा सकती है, ना किसान की जमीन गिरवी रखी जा सकती है, ना किसी भी रिकवरी के प्रोसीजर में किसान की जमीन को अटैच किया जा सकता है। किसान की जमीन सुरक्षित हो, ऐसा कानून जब पास हुआ तब कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इस कानून का समर्थन नहीं किया। देश के नागरिक भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस के जिस प्रमुख परिवार के एक प्रमुख सदस्य ने जीवन भर किसानों की जमीन लूटी हो वो परिवार क्यों चाहेगा देश के किसान की जमीन सुरक्षित रहे। लेकिन संसदीय व्यवहार में शायद ही राष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ हो कि राज्यसभा में जब बिल चर्चा में गया तब राज्यसभा में विराजित उपसभापति पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अटैक किया। ये वो पद है जिसे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी सुशोभित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के पद पर हमला बोला। देश के उपराष्ट्रपति उपसभापति देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी मित्रों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प फलीभूत हुआ। कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों ऐतिहासिक बिल पारित हुए और आज उसी संदर्भ में एक प्रगतिशील गुजरात के माध्यम से मैं राष्ट्र भर के किसानों को विशेष अभिनंदन और बधाई देती हूं। आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्पना में इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए यह जरूरी है कि देश के किसान को भी समृद्ध बनाया जाए। इसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 1,00,000 करोड़ रुपए अपने बजट से कृषि क्षेत्र के लिए सुनिश्चित किया है। आत्मनिर्भर भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसान और खेत के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया सुनिश्चित किया गया, एनिमल हस्बेंड्री 13,500 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुनिश्चित किया गया। तो कृषि बिल मुद्दे स्मृति ईरानी ने आप सांभळी रह्या हता। सीधे सीधा प्रहार कांग्रेस पर के शीर्षस्थ नेतृत्व क्यां गायब हतुं जयारे संसद में आ विधेयक रजू करवामां आव्या हता त्यारे।